मॉर्निंग फ्रेंड्स, करेंसी डेली एनालिसिस में आप सभी का स्वागत है। आज है 2nd of May 2024। डॉलर इंडेक्स अभी है 105.7। कल के दिन में एफएमएस रेट डिसीजंस था जहां पे स्टेटस को मेंटेन किया गया है, बट जो प्रेस कॉन्फ्रेंस था वहां पे जो निष्कर्ष निकला वो था कंपैरेटिवली लेस हॉकिश, जिसके कारण डॉलर इंडेक्स हल्का सा सॉफ्ट हुआ फ्रॉम एन इंट्राडे हाई ऑफ 106.49 एलो ऑफ 105.43, अभी आपका 105.74। सो यहाँ पे ये कंसोलिडेशन जारी है, ये जो जोन है इस जोन को निकलना है, एंड इस जोन को सिर्फ निकलने से नहीं होगा, ऊपर की तरफ एक रेजिस्टेंस है 107 से 107.30 एंड नीचे की तरफ एक सपोर्ट जोन भी है जो है आपका 105 से 105.20 के बीच में। सो ये और ज्यादा कंसोलिडेशन में जाएगा अंटिल एंड अनलेस द रेंज इज ब्रेकन आउट ऑन द आइदर डायरेक्शन, वेदर ऑन द हायर साइड और ऑन द डाउन साइड, वी नीड टू वेट फॉर दैट। अभी आते हैं आपका जीबीपी डॉलर। जीबीपी डॉलर कल के दिन में एक मॉडरेटली बुलिश कैंडल फॉर्म हुआ है विद एन इंटरडे लो ऑफ 1.2550 एंड currently it is trading at 1.2530. so yahan pe hame dekhna hai do resistance zone hai, ek hai horizontal resistance zone and a inclined resistance zone, so dono ko todna hai. yahan pe ek price action badhiya sa ban raha hai, abhi ye jo zone hai is zone ko agar upar ki taraf todte hain higher side mein, in such a case एक बढ़िया सा अपवर्ड डायरेक्शन के साथ जीबीपी डॉलर ऊपर की तरफ जा सकते हैं। इन सच केस जो इमीडिएट रेजिस्टेंस हो सकता है 1.2675 से 1.2700 के बीच में एक रेजिस्टेंस हो सकता है। जीबीपी आईएनएफ यहां पर भी एक सिमिलर एक जोन है, इस जोन को अगर ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करते हैं तो एक बढ़िया सा मूवमेंट हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं टुवर्ड्स 105.70 की तरफ, एक पॉसिबिलिटीज हो सकती है। यूरो डॉलर यहाँ पे एक कंसोलिडेशन में थोड़ा सा स्ट्रेंथ कम है इन कंपैरिजन टू योर जीबीपी डॉलर, सो यहाँ पे ये एक कंसोलिडेशन जोन है, इससे बाहर निकलना पड़ेगा। ऊपर की तरफ अगर जाते हैं तो क्लियरिटी और भी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे ट्रेंड लाइन एक रेजिस्टेंस है, इस दोनों को रेजिस्टेंस को तोड़ना पड़ेगा ऑन द हायर साइड, देन एंड ओनली देन वी कैन एक्सपेक्ट एन अपवर्ड डायरेक्शन इन यूरो डॉलर। यूरो आईएनएन में भी सिमिलरली ये एक कंसोलिडेशन जोन है, इसको अगर ऊपर की तरफ तोड़ते हैं तो भी एक ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस जोन है जिसको आपको तोड़ना पड़ेगा, तभी जाके एक अपवर्ड बायस हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। डॉलर येन कल के दिन में क्या हुआ, कल के फर्स्ट में एक इंटरवेंशन देखा गया जिसके कारण फ्रॉम एन इंटरडे हाई ऑफ 157.98 इट ट्रेडेड लो 153, करेंटली 155.95। सो यहाँ पे इंटरवेंशन का शॉक मिल रहा है मार्केट पार्टिसिपेंट्स को, सो दैट मीन सेकेंड टाइम इंटरवेंशन हुआ है, दैट बीइंग द केस 160 इज एन इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन इट इज बिकम, सो बेसिकली 160 नहीं करेंगे 158 से 160 का एक इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस जोन अभी बन गया है, क्योंकि दो बार बैक टू बैक यहाँ पे इंटरवेंशन इस एरिया से हमने इंटरवेंशन को देखा है। सो और भी द रिजल्व ऑफ बीओजे हमें देखना है, येन आईएनआर पे यहाँ पे एक W पैटर्न बना हुआ है, अब देखो ये और एक बार रेजिस्टेंस आ रहा है, सो W पैटर्न के आपका मींस बाइंग तो दिख रहा है, लेकिन अगेन यहाँ पे द रिजल्ट बीओजे का रिजल्ट के ऊपर आपका डिपेंड कर रहा है, सो यहाँ पे बाई करने से भी W बेसिस के लिए मींस छोटा क्वांटिटी के साथ देख सकते हैं। डॉलर कैंडी 1.3726, ये आपका 30 अप्रैल का जो बुलिश अपमूव था उसको फॉलो थ्रू नहीं मिला, नाइदर ऑन फर्स्ट ऑफ मे नॉर आज के दिन में कुछ मिला है, सो यहाँ पे थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। ऑसी डॉलर ये कल के आपका 30 अप्रैल को एक नीचे की तरफ ब्रेकडाउन करने का प्रयास कर रहा था, एंड कल के दिन में दोबारा बाउंस भी करके ऊपर चला गया है,
सो यहाँ पे कंसोलिडेशन हो रहे हैं, सेम इज 7.2360। सो ये कंसोलिडेशन इंपॉर्टेंट जो रेजिस्टेंस जोन है वो है आपका 7.29 का। जब तक इसको ऊपर की तरफ नहीं तोड़ते तो हमें थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। अभी आते हैं ब्रेंट क्रूड। ब्रेंट क्रूड इज 86.30। कल के दिन में एक नेगेटिव कैंडल था एंड आज उसका दोबारा फ्यूचर में एक गैप डाउन ओपनिंग हुआ 86.30। अभी हमें जो देखना है ये जो जोन है इससे बाहर निकालना है। नीचे की तरफ अगर जाते हैं तो हमें एक बढ़िया सा टारगेट मिल सकता है टुवर्ड्स 82.50 से 82.60 के बीच में एक टारगेट मिलने का पॉसिबिलिटीज है। और इसके बाद आते हैं आपका 10 ईयर ट्रेजरी यूएस। तो यहाँ पे एफओएमसी रेट डिसीशंस के बाद ऐसा लग रहा था कि ऊपर की तरफ जाएगा, लेकिन हॉकिशनेस कम होने के कारण यहाँ पे थोड़ा सा रह गया है। तो यहाँ पे और भी ज्यादा कंसोलिडेशन होने देते हैं, उसके बाद देखते हैं कंसोलिडेशन में ब्रेकआउट करते हैं। अभी यूएसडी ट्रेजरी सिमिलरली ये रेजिस्टेंस के यहाँ पे काफी प्राय कंसोलिडेट करके ऊपर जाने का प्रयास कर रहा था, लेकिन कल से मिला नहीं ये जो ये प्राइस एक्शन एक्सपेक्ट कर रहे थे एंड काफी धीरे धीरे सॉफ्ट होने का प्रयास कर रहे थे। कंसोलिडेशन के बाद ये इसको नीचे की तरफ अगर आता है तभी जाके सॉफ्टनेस का एक्सपेक्ट कर। करेंसी डेली एनालिसिस, डॉलर रुपये अभी बाकी है। डॉलर रुपये 83.41, यहाँ पे नथिंग मच क्योंकि यहाँ पे इनविजिबल से स्ट्रॉन्ग हैंडेडली डिफेंड कर रहे हैं। सो मॉडरेट जो मीन्स इमीडिएट जो रेंज ऊपर की तरफ 83.50-83.70 एंड नीचे की तरफ आपका 83.25 से 83.30 के बीच में एक छोटा रेंज हो गया। और बड़ा रेंज होगा तो 82-83 ऑन द लोअर साइड एंड 83.50 एंड 83.75 ऑन द हायर साइड। दो रेंज हमारे पास अभी है, जब तक आइदर साइड ब्रेकआउट नहीं करते पॉसिबली ऑन द हायर साइड तब तक हमें इंतजार करना पड़ेगा। सो करेंसी डेली एनालिसिस अभी के लिए इतना, आशा करता हूँ। Wishing you all a great day ahead.